सत श्री अकाल दैनिक सवेरा दे विच तुहाडा स्वागत है। पंजाब दे नौजवान नूं मकलोड़गंज घूमना महंगा पै गया ते उसकी कीमत उसने अपनी जान गवा के चुकाई है। दस दी कि सारा मामला मकलोड़गंज का है जिथे कुछ दोस्त मकलोड़गंज हिमाचल दे विच घूमन जाते हैं। इसी दौरान एक रेस्टोरेंट दे विच जदों ओ बैठते ने तो किसी मामूली जी गल नूं लैके उन्हां दा झगड़ा जिहड़ा है वो रेस्टोरेंट के स्टाफ दे नाल हो जांदा है। नवदीप सिंह जिसकी कि हुण मौत हो गई है कहा जा रहा है कि उसकी किसी गल नूं लैके जिहड़ा रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ हुंदा है उस दे नाल उसकी बहसबाजी शुरू हो जाती है। किसी छोटी जी गल नूं लैके तकरार पैदा हुंदा है जिस तों बाद कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट के जिहड़े कर्मचारी हुंदे ने उन्हां दे वल्लों नवदीप सिंह नूं धक्का मारिया जांदा है जिस दे चलदे ओह हेठां डिग जांदा है ते सिर दे विच कहा जा रहा है कि तेज तार हथियार दे नाल हमला किया गया जिस तों बाद हुण नौजवान की मौत हो गई है। दस दी कि यह मंदभागी घटना हिमाचल प्रदेश दे विच वापरी है जिथे कुछ दोस्त हिमाचल प्रदेश दे विच घूमण जांदे ने मकलोड़गंज घूमण जांदे ने अते उत्थे एक रेस्टोरेंट दे अंदर बैठते ने। कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट दे जिहड़ा मालक हुंदा जिहड़ा उत्थों दा स्टाफ हुंदा ओह उहनां दे कोल ऑर्डर लैण आंदा है ते नवदीप सिंह कहिंदा कि उहनां ने कुछ भी नहीं खाणा ओह सिर्फ कुछ देर दे लई ही इत्थे रेस्टोरेंट दे विच बैठण आए ने। जिस तों बाद कहा जा रहा है कि कुछ मामूली तकरार हुंदी है किसी मामूली गल नूं लैके झगड़ा हो जाता है अते इसी झगड़े दौरान जिहड़ा रेस्टोरेंट दे अंदर जिहड़ा स्टाफ हुंदा है उहनां दे वल्लों नवदीप सिंह दे नाल हत्थों पाई करनी शुरू कर दित्ती जांदी है उसनूं धक्का मारिया जांदा है ते जिस तों बाद नवदीप सिंह हेठां डिग जांदा है ते कहा जा रहा है कि उसदे सिर दे उत्ते जिहड़ा तेज तार हथियारां दे नाल हमला किया जाता है जिस दे चलदे हुण नवदीप सिंह दी मौत हो गई है। दस दी कि नवदीप सिंह दी उम्र महज 33 साल सी अते 2 साल पहला ही उसका विआह होया सी। कपूरथला का रहने वाला यह नौजवान है जिसकी एक छोटी बच्ची भी कहा जा रहा है जो कि एक साल की है। तो मंदभागी खबर हिमाचल प्रदेश तो सामने आ रही है जिथे अक्सर ही जेडे नौजवान ने घूमन दे लई जांदे ने उतों का जोड़ा माहौल है वह जानने के लिए जाते हैं तो उत्थे ही यह मंदभागी खबर निकल के सामने आ रही है जिथे एक नौजवान का उसके दोस्तों के सामने ही कतल कर दिता गया है। उसके छोटी जी गल दे नाल तकरार हुंदी है रेस्टोरेंट दे स्टाफ दे जिहड़े मैंबर ने उहनां दे नाल तकरार हुंदी है जिस तों बाद कहा जा रहा है कि नवदीप सिंह दे सिर दे उत्ते तेज तार हथियारां दे नाल जिहड़े ने उह वार कीते जांदे ने जिस दे चलदे नवदीप सिंह दी मौत हो गई है। दोस्तां दे सामने ही उहनां दे यार नूं मौत दे घाट उतार दिता गया है। सारी घटना मकलोड़गंज दे विच एक रेस्टोरेंट के अंदर वापरी है जिथे मामली तकरार तो बाद पंजाब दे कपूरथला दे रहने वाले नौजवान नवदीप सिंह दा कतल कर दिता गया है। महज 33 साल उम्र इस नौजवान दी सी जिसका 2 साल पहला ही विआह होया सी उसनों की पता सी कि वह घूमन लई गया तो उसनों इस दी कीमत अपनी जान दे के जिहड़ी है वह चुकानी पवेगी। दस दी कि महज छोटी जी गल नूं लैके इन्ना विवाद वध जांदा है कि आखिरकार नवदीप सिंह दा कतल कर दिता गया। अज ये सुबह लगभग 11:30 बजे जो है ये घटना जो है घटित हुई और इसमें जो अभी तक सामने आया है वो एक लोकल जो ढाबा है वहाँ पे खाना खाने ये पर्यटक लोग आए थे और खाना खाने को लेके और ढाबे में बैठने को लेके इनकी जो है ढाबा के मालिक और उनके बेटे के साथ कहासुनी हुई और इसी का यही कहासुनी आगे आगे बढ़ के जो है एक उनके बीच में लड़ाई हुई जिसमें अन्य लोग दोनों पक्ष से जो अन्य अन्य बाकी लोग हैं वो भी शामिल हुए और आसपास के लोग भी एंगेज होने के बाद उसी धक्का मुक्की करते हुए जो एक व्यक्ति नवदीप सिंह जो कि फगवाड़ा के रहने वाले हैं 33 ईयर्स ये ज़मीन पे फेस डाउन गिरे और उसी दौरान जो है इनको जब हॉस्पिटल लाया जा रहा था तो हॉस्पिटल पहुंचने तक इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो इस मामले में अभी तक लगभग 6 लोग जो है हमने डिटेन किए हुए हैं और जो पूरे घटनाक्रम है उसमें किस व्यक्ति की किस तरह से संलिप्त है उस पर पुलिस काम कर रही है और मैकलोडगंज में ये इस संदर्भ में जो मामला दर्ज किया जा रहा है और फर्दर कार्रवाई में उसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्योंकि अभी पीक टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ से इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और साथ ही हमारे लिए मई में ये भी सूचना है कि IPL के भी मैचेज यहाँ हो सकते हैं और इलेक्शंस की तो तैयारी जैसे कि MCC लगने के साथ स्टार्ट हो ही गई है।
तो ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस है बहुत सारे हमारे लोकल त्यौहार फेस्टिवल्स और मेले जो हैं ज़िला भर में इस दौरान होने, तो रिसोर्सेज भी इलेक्शन की ड्यूटीज़ में भी बटे हुए हैं, तो ये एक चैलेंज रहेगा। लेकिन जैसे आज जो है पुलिस द्वारा जो है बिल्कुल डिले ना करते और पूरे समय पर जो है मौके पे पहुंच के स्थिति को संभाला गया, और जो कि सस्पेक्ट्स थे उनको हमने एंगेज किया हुआ है, तो उसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, और इस तरह के यदि कोई अनफॉर्चुनेट क्राइम्स होते हैं तो उनको तुरंत जो है उनको रिस्पॉन्ड किया जाए, और जो भी इसमें लीगल एक्शन है उनकी तरफ हम आगे। देखिए जो जो वहाँ पे जो आई विटनेसेस हैं उनके हिसाब से व्यक्ति जो है वो एक ग्रुप में दोनों पक्ष से लड़ाई जो है इसमें हो रही थी, और उसी दौरान एक व्यक्ति जो है हाथापाई के दौरान ही नीचे गिरा, और बाकी लोग जो हैं उन्होंने जब उसकी तरफ ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पे ही मुँह के बल गिरा हुआ है। तो जब उसको देखा गया तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनल चोट इसमें शायद जो पीएम में हमें एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, तो इसके अलावा कोई और अन्य कोई हैवी इंजरी फेटल इंजरी तो प्राइम अप्स है बॉडी पे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है डॉक्टर की जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसका हमें वेट करना चाहिए, और मारपीट और इसी झगड़े के दौरान ही ये डेथ का मैटर सामने आया है, तो इसमें फर्दर पीएम रिपोर्ट और जो एफएसएल की रिपोर्ट्स हैं उस पर हम अपने आगे लीगल प्रोसेसेस को एंगेज करेंगे। देखिए पर्यटकों का हमेशा हिमाचल प्रदेश में पूरे दिल से स्वागत रहता है, और आमतौर पे जो इस तरह की घटनाएं बहुत जैसे आज की जो घटना है इसमें कोई ऐसा इंटेंशन तो नज़र नहीं आ रहा है कि कोई किसी की जान लेना चाह रहा था, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया और कहा सुनी जो है वो हाथापाई पे पहुंची और वहाँ से ये घटना तक हम पहुँच गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि सभी पेशेंटली और आराम से चीज़ें डील करने की हम प्रयास कर सकते हैं, और स्थानीय लोग भी थोड़ा सा पेशेंस और कंसर्न, और यदि कोई भी एंटी सोशल घटना होती है या कोई आपको यदि ऐसे लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है, कोई पर्यटक जो है आके लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाह रहे हैं, या कोई लोकल व्यक्ति जो है वो किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप संबंधित पुलिस स्टेशन में ज़रूर कॉल करें। और मैक्लियोडगंज क्षेत्र में तो एनीवे बहुत सारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ और अन्य ड्यूटीज़ में लोग प्रेजेंट रहते हैं, तो पुलिस को आप एनडी एंगेज करें ताकि इस तरह की लाइफ लॉस से बचें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।